तो ये हमारा कस्टमर पैनल है, और जब इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड मैं आपको दे दूंगा सबको अलग अलग से, तो आपको सबसे पहले न्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह सब आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, मैं ऐसे डमी डाल देता हूँ अभी यहाँ पे। और यहाँ से अगर आपका सेल्फ शिप है, मैक्सिमम लोगों का सेल्फ शिप ही रहेगा, तो यहाँ पे आप 50 रुपीज़ पर 500 ग्राम सेलेक्ट करोगे। ठीक है, जो कि करंट जो प्राइसिंग है हमारा शिपिंग का। और मार्केट प्लेस यहाँ से अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या अदर आप किसी का भी अगर प्लेस कर रहे हो, तो जैसे मैंने अमेज़ॉन यहाँ पे सेलेक्ट किया। ठीक है, और मार्केट प्लेस नंबर मैंने किया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये डाला मैंने। और अगर मेरे को प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्डर करना है, ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास मान लो अभी ये यहाँ पे 4 प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे एसकेयू आपको यहाँ पे सर्च करने पड़ेंगे। अगर मान लो कि मेरे को बायनाकुलर यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है, कि मेरा 30x60 का बायनाकुलर का ऑर्डर है, मैंने BIN यहाँ पे लिखा, तो किड्स बायनाकुलर का मतलब है कि अपना ब्लैक वाला बायनाकुलर, और 10x25 बायनाकुलर है इसका मतलब जो बड़ा वाला बायनाकुलर आता है। ठीक है, और मान लो मैं यहाँ पे मिलिट्री वाला ऐड नहीं किया मैंने। ठीक है, जो भी एस के अगर यहाँ पे नहीं होगा ना ऐड, मान लो आप यहाँ आपको शो नहीं कर रहा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैक्सिमम यहाँ पे शो कर रहे होंगे। ठीक है, और जो एस के यूज़ का नेम है ना, वो भी मैं आपको एक्सेल में दे दूंगा आपको। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो एस के यूज़ हैं हमारे, ये सारे के सारे यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। मान लो कोई एस के यू आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है, कि मान लो आपने बायनोकुलर सर्च किया और आपको नहीं मिला, तो हो सकता है यहाँ पे किसी और नाम से वो एसकेयू ऐड हो। तो अब मैं जाता हूँ जैसे फाइल में। ठीक है, अब मेरे को पता है कि भाई मेरा फिटजेट पेन का ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये फिटजेट पेन ये रहा, FIDGET। ठीक है, अब इसकी स्पेलिंग ये है, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया FID, यहाँ पे आ गया फिटजेट पेन। ठीक है, तो यहाँ से इस फाइल से भी आप डेटा उठा के और चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा कि टोटल आपका वेट कितना है, इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, जीएसटी कितना लग रहा है। ठीक है, और शिपिंग चार्जेस 50 रुपीज़ लग रहा है, टोटल पैकेजिंग चार्जेस 4 रुपीज़ लग रहा है, टोटल होके यहाँ पे हमारे को कितने का पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा दिख गया है आपको। अब यहाँ पे प्लीज़ अपलोड कस्टमर लेबल। अब यहाँ पे ये इनवॉइस आपको ऐड करना है। अब ये भी दिखाता हूँ कि कैसे ऐड होता है। ठीक है, मान लो कि ये एक अकाउंट का दिखाता हूँ। अब जैसे मेरे को ना ये वाला ऑर्डर मेरे को प्लेस करना है। ठीक है, अब ये वाला मेरे को ऑर्डर जो है वो प्लेस करना है। अब जो इनवॉइस आपको अटैच करना पड़ेगा यहाँ से, प्रिंट पैकेजिंग स्लिप। ठीक है, ये वाला जो इनवॉइस है ना, ये आपको डाउनलोड करके यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा, सेव एज PDF। ठीक है, ये आपने यहाँ पे सेव किया। ठीक है, और अब इसको यहाँ पे आप अटैच कर दो। ठीक है, ये रहा अपना, यहाँ पे अटैच करते ही आपके वॉलेट से इतने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, ये ऑर्डर करते ही। यहाँ से आपने ऑर्डर किया, ठीक है, अब ये आपने ऑर्डर कर दिए यहाँ से। ठीक है, और आपको मतलब शाम के टाइम पे 5 6 बजे के समथिंग आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी, तो शाम को आपको 5 6 बजे से पहले पहले आपको ऑर्डर डालना है। ठीक है, और ट्रैकिंग आईडी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी जब हम लोग यहाँ पे अटैच करेंगे। अगर ऑर्डर का इनवॉइस आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ अच्छा चल नहीं रहा, बाकी यहाँ से हम लोग इसको ठीक कर देंगे। ये अभी हमने मतलब एज अ टेस्ट हमने किया हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें चल रही है।
अगर कोई चीज़ नहीं चल रही हो तो आप मतलब बता सकते हो, और अगर ये थोड़ा वो स्लो चलता है तो भी आप मेरे को बता सकते हो। और वॉलेट का देखो यहाँ पे ये है, और यहाँ से आपको पैसे ऐड करने हैं। इस क्यूआर कोड पे नहीं आपको पे करना है, मैं आपको क्यूआर कोड जो है ना वो कम्युनिटी ग्रुप में डाल दूंगा कि कौन से क्यूआर कोड पे आपको डाल के और पैसे अपने वॉलेट में ऐड करवाने हैं। तो मैं वो क्यूआर कोड भी डाल दूंगा और बैंक डिटेल भी डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप पेमेंट डालो और मेरे नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपके वॉलेट रिचार्ज कर दूंगा। ठीक है, इस पे नहीं डालना है, फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, और रिटर्न ऑर्डर आपको ऐसे फाइल करना है, रिटर्न। ज़्यादा वीडियो बड़ी तो नहीं बन रही। अब जैसे आपने रिटर्न ऑर्डर फाइल करना है आपने, ठीक है, रिटर्न ऑर्डर पे क्लिक किया, ट्रैकिंग आईडी जो भी ट्रैकिंग आईडी आपको अमेजोन की तरफ से मिलती है ना, उस ट्रैकिंग आईडी पे को यहाँ पे क्लिक करना है आपको। जैसे 456 मैंने ये क्लिक किया, ठीक है, कुरियर रिटर्न अपना अमेजोन पे क्लिक किया। ऑर्डर आईडी, जिस ऑर्डर आईडी को अगर आपने एक बार रिटर्न फाइल कर चुके हो तो यहाँ से वो ऑर्डर आईडी हट जाएगा। ठीक है, तो अभी एक ऑर्डर मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले प्लेस किया था, मैं उसको रिटर्न करता हूँ। ठीक है, अमाउंट मैंने बोला कि भाई मेरे को 50 रुपये चाहिए, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख दिया कि भाई जो भी कुछ भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, सबमिट कर दिया। आपको रिटर्न है ना यहीं से ही अप्लाई करना है, शायद इसमें भी कुछ एरर चल रहा है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे फाइल करना है आपको, कुरियर यहाँ पे आपका अमेजोन सेलेक्ट करना है, या जो भी आपको जिस भी कुरियर से आपको आ रहा है, अगर ई कॉम एक्सप्रेस से आ रहा है तो आप अदर यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, और ऑर्डर आईडी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, और अमाउंट आप यहाँ से डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यहाँ पे डाल देना। ये टेस्ट मतलब हमने अकाउंट बनाया हुआ है एडमिन के लिए, तो शायद इसी वजह से वो रिटर्न यहाँ पे मतलब फाइल नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि एडमिन अकाउंट है ना ये, तो इसी वजह से रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हिस्ट्री आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे मिल जाएगी आपको, वॉलेट ट्रांजेक्शन यहाँ पे है। ठीक है, रिटर्न ऑर्डर आप यहाँ से कर सकते हो, तो सिंपल सीधा कुछ भी नहीं है, और जैसा पहले था वैसा ही है। और ट्रांजेक्शन में अगर आपको मनी आपके अकाउंट में ऐड करना है तो आप मेरे क्यूआर कोड पे आप डाल के, जो मैं अभी ग्रुप में डालूंगा, तो वहाँ पे आप पेमेंट डाल के मेरे नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल दो, आपके वॉलेट रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर और कुछ डाउट हो तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो।